एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं शिल्पी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो गाइज, आज मैं जो सॉन्ग पे करने वाली हूँ रिएक्ट, वो सॉन्ग है लहूदे सिमरन कौर टाडली। तो चलिए फिर सुनते हैं इनका ये सॉन्ग। इससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको मेरा रिएक्शन जरा सा ही पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे मुझे सपोर्ट करिए। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। क्या है ये? मेरा मोबाइल उसने तोड़ा, मुझे बहुत मारा लगातार, मुझे वो मारती रही। तो हमारे लखनऊ का ही, मतलब लखनऊ का ही सीन है। ये सब चीज देख ली सर। वो खुद को फेमिनिस्ट भी कहती हैं कि मुस्लिम पैसे कमाने के लिए किसी वेबसाइट पर आधे घंटे तक लाइव न्यूड सेशन। मेरी कलम सजाऊंगी अक्सर जंगिया कुड़ियां दे किरदार। बत्ती फेमिनिस्ट कहावे आके मिल मैनू एक बार। मेरा दावा लग जू जीव तालुए नाल तेरी। तेरा पूठा दसे तू नी मेरे इक रखड़े दी मार। मर जा डुब के। I love hotels paid by other people. मर जा डुब के जिस्मत खा के पैसे बटदी है। क्या बोलूँ मैं, सॉन्ग मतलब बहुत
मैंने नहीं देखा था इससे पहले, मैंने इसके बारे में सुना, बहुत बहुत ज़्यादा सुना था ऐसा 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 है और ये कैसे इन्होंने सॉन्ग निकाल दिया मतलब। लेकिन जब मैंने खुद ये देखा है तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने जो रियलिटी बताई कि जो पहले का जो अदब होता था, जो लड़कियां करती थी, महिलाएं करती थी, रिस्पेक्ट अलग चीज़ हो जाती है और किसी से दबना, किसी का अदब करना वो चीज़ अलग चीज़ हो जाती है। देखिए तो जो पहले के कल्चर में था वो अब मतलब चेंज हुआ है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मतलब फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी, जैसा उन्होंने वीडियो में भी दिखाया कि लोग केवल पॉपुलर होने के लिए, फेमस होने के लिए जो लड़कियां हैं वो रॉन्ग, सच है ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। शायद कई लड़कियों जो ऐसा करती हूँ उनको ये सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद आया होगा। मुझे तो ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे आप कुछ सीख रहे हैं, मतलब आप क्या हैं आप खुद जानिए ना। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो फिर ये वीडियो देखिए, वीडियो बैन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो बैन करना ही है तो इन सिंगर का क्यों, ये जो काम कर रही हैं उन लड़कियों का बैन करो ना आप। तो मुझे तो अच्छा लगा खास। और एक इसमें सीन दिखाया कि जो लखनऊ का ये हमारे यहाँ लखनऊ आलमबाग की ये घटना थी जो घटी, जिसमें एक ड्राइवर को एक लड़की ने सरेआम पीटा, तो उसमें भी कितना सच था। एक लड़की लड़की पर हावी हो गई, मतलब इतने, अगर हावी होना वो मैं मानती हूँ, लेकिन जो रियल है, जो असली घटना थी वो तो किसी ने सामने नहीं आई ना। वो देखिए जहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा था वो लड़का, वहाँ तक तो ठीक था, उसने थप्पड़ खाए, लेकिन अगर सोचिए अगर वही यानी कि मार देता खींच के तो वहाँ पे कितनी पब्लिक होती। लेकिन इंसाफ हुआ उस ड्राइवर के साथ भी इंसाफ हुआ। और मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा क्योंकि इसमें रियलिटी बताई गई है। सिमरन जी ने बहुत तगड़ी बात बताई है, समझने वाले इससे भी समझ सकते हैं और बुराई निकालने वाले सही सॉन्ग में भी बुराई निकाल सकते हैं। सॉन्ग की बात करें, सॉन्ग मुझे अच्छा लगा गाने के लिए, लिरिक्स बोल म्यूजिक बहुत तगड़ी थी और इनकी वॉइस तो आप सब जानते हैं फैबुलस होती है। तो इतना सा था ये मेरा रिएक्शन, कैसा लगा आपको ये मेरा रिएक्शन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, देन टेक केयर है, बाय बाय।